हेलो एवरीवन, वेलकम टू मसाला दानी। आज हम बनाएंगे नद्र चूरमा यानी कमल ककड़ी के चिप्स। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी, लेकिन आप कश्मीरी शादियों में या इवेंट्स में जाएंगे तो ये इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि बना भी था या नहीं बना था। तो आइए चलिए बनाते हैं कमल ककड़ी के चिप्स। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब आप कमल ककड़ी खरीदने जाएं तो इस तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा काट के देखिए। अगर इसमें से धागे निकल रहे हों तो कमल ककड़ी पुरानी है और उसे ना लें। सबसे पहले हम कमल ककड़ी को पील कर लेंगे। अब हम अंदाजे से तकरीबन 1.5 इंच का पीस काट लेंगे। उसके बाद हमें इसको लंबाई में काट लेना है। कमल ककड़ी की मोटाई के हिसाब से 6 से 8 पीसेस 1 इंच के पीस में से निकलेंगे। कमल ककड़ी में कभी कभी बहुत मिट्टी होती है, तो ध्यान से आप इसे 3-4 बार पानी से धो लीजिए। इस कमल ककड़ी को अब हमें फ्राई करना है, तो एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। जब तेल गरम हो जाए तो कटी हुई कमल ककड़ी इसमें डाल दीजिए और फ्राई करिए मीडियम फ्लेम पे। देखिए ये कितनी सुंदर और ब्राउन हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी है। अब हम इसे एक छाननी में निकाल कर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकल चुका है, अब इसको एक सर्विंग बोल में डाल दीजिए और इसमें डालिए लाल मिर्च, नमक और सौंठ अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और एंजॉय करिए नद्र चूरमा या कमल ककड़ी के चिप्स। अगर आपको ये सिंपल रेसिपी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला दानी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।